तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले सक्सेस स्टोरी ऑफ हल्दीराम। जी हाँ गाइस, हल्दीराम की सक्सेस के बारे में बात करने हैं। एक छोटी सी नमकीन की दुकान आज 300 करोड़ की दुकान कैसे बन गई, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, कहानी कुछ उस तरह से स्टार्ट होती है। एक लड़का होता है गरीब घर का, जिसका नाम हल्दीराम होता है और वही हल्दीराम का फाउंडर भी होता है। बट वो अपनी मम्मी के साथ स्नैकर में बनाने में मदद किया करता था और उन्हें बेचने में मदद किया करता था। उनकी बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी जहां वो अपने नमकीन और अपनी मम्मी के जो हाथ के बनाए स्नैकर हैं वो सब बेचा करते थे। एंड फ्रेंड, एक दिन ऐसा आता है जब इंटरनल फैमिली इशू के कारण वो दुकान उन्हें छोड़नी पड़ती है। एंड हल्दीराम डिसाइड करते हैं कि अब हम इस दुकान को नहीं चलाएंगे, अब हम अपनी नई दुकान चालू करेंगे। तो हल्दीराम सडनली क्या करते हैं, एक रेहड़ी ले आते हैं, उस पर सारी नमकीन भुजिया रख लेते हैं एंड वो गली गली जाके नमकीन भुजिया बेचा करते थे बीकानेर में। देन कुछ साल तक ऐसे चलता रहा एंड उनके लाइफ का फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने 1946 में फर्स्ट हल्दीराम दुकान खोली इन बीकानेर। जब उन्होंने 1946 में अपनी पहली हल्दीराम की दुकान खोली, फिर उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहले नागपुर में, फिर कोलकाता में और फिर दिल्ली में अपनी 3 फैक्ट्री लगाई, जो आज 300 करोड़ $ की फैक्ट्री बन चुकी है। जी हाँ गाइस, इतनी बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है आज के डेट में मार्केट, और 400 से भी ज़्यादा उसके प्रोडक्ट हैं। तो वैसे कैसे लगा ये सक्सेस स्टोरी जान के, एक गरीब घर का बच्चा आज इतना आगे आ चुका है नमकीन बेचते बेचते। कैसे लगी ये स्टोरी, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर बताना।